मजाक? सोने की इस मामूली सी अंगूठी से जुड़ने वाला रिश्ता तो मैं वहीं तोड़ आई थी, और मेरा तुम्हारा कौन सा मजाक है? ना कोई बेतकल्लुफी का रिश्ता है जो तुम्हें खुशफहमी हो रही है। खुशफहमी? मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून खुशफहमी होगी तुम्हारे लिए? तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा जुनून और उसकी शिद्दत तुम्हारा मसला था। ये सब तुम्हारी तरफ से था, मैंने तुम्हारी कोई हौसला अफजाई नहीं की। हौसला अफजाई नहीं की तो फिर सबके सामने ये अंगूठी क्यों पहनी तुम? क्या मतलब था इसका? अपनी मरी हुई माँ का ख्याल आ गया था मुझे। नफीसा खाला उनकी बहन है ना, भरे मजमे में उनका हाथ नहीं झटक सकती थी, झटक देना चाहिए था। उनसे बात करना फिजूल है, मैं मंगा से बात करूंगा। नायला, नायला! घर छोड़ के जा चुकी है वो। बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे मेरा और हारून का निकाह, और अब इस घर की मालकिन सिर्फ मैं। क्या तुमने नायला के साथ, उस औरत के साथ जिसने तुम्हें सहारा दिया जब तुम बेसहारा थी, उस औरत के साथ ही सब कर दिया तुमने? अपने घर में रखा, जगह दी, तुम्हें पनाह दी, और उसी के घर में नकब लगा दी तुमने। इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? कोई अपने मोहसिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तुमसे या किसी और से मनमाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है। और मैंने किसी के घर में नकब नहीं लगाया, मैंने वही हासिल किया जो मैं करना चाहती थी। और मेरी तो खुशकिस्मती है कि हारून इतनी चाहत से मुझे इस घर में लेकर आए। सुहागन तो वही होती है ना जो पिया मन भाए। उन्हें झूठ और फरेब को मोहब्बत का नाम देकर गाली मत दो माए। तुम जैसी लालची और मादा परस औरत किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, सिर्फ कारोबार कर सकती है, बहुत सारी दौलत के नफे का कारोबार। ओ मोइज, लगता है तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हारून को बुलाती हूँ, तुम्हें निकाहनामा दिखाते हैं, शायद तब यकीन आ जाए। हारून, हारून! याद है माई, तुम पढ़ाई में कितनी बुरी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाँ, लेकिन हिसाब तुम्हारा बहुत अच्छा था, और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कैसे कि बाकी सब्जेक्ट में बुरा होने के बावजूद हिसाब में तुम बहुत अच्छी। आज देख रहा हूं, बिल्कुल सही हिसाब लगाया तुमने, तराजू में मोहब्बत के साथ दौलत को तोड़ा तुमने, और उसी पल्ले को अपने कदमों में झुका लिया। It's nothing personal, Morris. नाजो, नाजो साहब को दरवाजे से बाहर तक छोड़ के आना।